नेक्स्ट क्वेश्चन है नायत्वा देय एक प्रतिकृति या प्रतिफलन या द्विगुणन, इंग्लिश में बोलते इसको डीएनए रिप्लिकेशन का बात कीजिए। नाम समझ आ गया कि डीएनए द्विगुणन आ जाए या प्रतिकृति आ जाए या प्रतिफलन आ जाए या डीएनए रिप्लिकेशन, ठीक है ना, का वर्णन कीजिए डीएनए प्रतिकृति या डीएनए रिप्लिकेशन। सभी चीजों में कोशिका विभाजन के समय कोशिका विभाजन होती संसुप्ति असुप्ति असुप्ति बहन पड़े देखिए, ठीक है, तो सभी जीवों में कोशिका विभाजन के समय आनुवंशिक पदार्थ की प्रतिकृति या रिप्लिकेशन होती है। आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है, होता है पूरा बन गया। आनुवंशिक पदार्थ क्या होते होता है? डीएनए। आनुवंशिक पदार्थ की प्रतिकृति या रिप्लिकेशन होती है। यह प्रक्रिया कोशिका विभाजन की अंतरा अवस्था में, कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था होती है? अंतरावस्था, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरफेज। कोशिका विभाजन की अंतरावस्था या इंटरफेज की एस उप अवस्था में, कौन सी में होती है? एस उप अवस्था में होती है। अब बताना है कहाँ होती तो संसुप्ति या विसुप्ति पहन रहा था, लेकिन असुप्ति भयन की अंतरावस्था या इंटरफेज की एस उप अवस्था में ये पाया जाता क्या? प्रतिकृति की जरूरत। प्रतिकृति के फलस्वरूप डीएनए अणु से उसी प्रकार के डीएनए अणु का निर्माण होता है। डीएनए अणु से एक और डीएनए बन जाता है, डीएनए अणु से दूसरे डीएनए अणु का निर्माण होता है। डीएनए की प्रति बनने की इस क्रिया को डीएनए प्रतिकृति कहते हैं। फोटोकॉपी करवाते हैं, एक कॉपी से दूसरी कॉपी भी आती है, ठीक है ना, तो इसी कॉपी या डीएनए की प्रति बनने की इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? डीएनए प्रतिकृति कहते हैं। क्लियर हुआ? फिर आगे लिखा गया डेन बुक के अनुसार, वैज्ञानिक नाम बेटा डेन बुक के अनुसार डीएनए प्रतिकृति निम्न प्रकार से होती है। तो डीएनए की परिभाषा तो अपनी हो चुकी है डीएनए रिप्लिकेशन की, अब हमें पढ़ना है कि कितने प्रकार का होता है। सबसे पहली है संरक्षित प्रतिकृति, इंग्लिश में बोलते हैं कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा? कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन। कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन ध्यान से देखें, एक है अपनी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन, ठीक है, ये हमारा डीएनए भाग है। पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल या जनक डीएनए का भाग, एक जनक डीएनए हुआ, समझ लें ध्यान से, ठीक है, जनक डीएनए हुआ। तो पहले पढ़ लेते हैं, इस प्रकार की प्रतिकृति में जनक डीएनए अणु माने जनक है पेरेंट है उसका डीएनए अणु अपने मूल रूप में संरक्षित रहता है, जैसा है वैसे की वैसे संरक्षित रहता है, और इस अणु से एक नया संतति डीएनए बन जाता है। नया संतति डीएनए अणु बन गया, जैसा था वैसे ही संतति में बनता। एक ए पेन है वो बहु ऐसे कैसे दूसरा पेन बन जाए, उस विधि को बोलेंगे संरक्षित प्रतिकृति। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल में ध्यान से देखें, जैसे ये डीएनए अणु, अब इस डीएनए अणु में कौन सा कंजर्वेटिव पदार्थ, कंजर्वेटिव मींस क्या होगा? जैसे का तैसे का, ठीक है ना, तो जैसे वो दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना, ये डीएनए का एक धागा हो गया है, बस की वैसे ये वाली पुराना है क्या है तो देखो ये नया से मेरा तो नया बना होगा तो जेब पर तो नहीं बढ़ गया, उसे क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव, संरक्षित है ना? तो इस प्रकार की प्रतिकृति में जनक डीएनए अणु अपने मूल रूप में संरक्षित रहता और इस अणु से नया संतति डीएनए अणु बन जाता। दूसरा होता है असंरक्षित प्रतिकृति, सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन। इस प्रकार की प्रतिकृति में जनक डीएनए के दो
क्या बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट थर्ड होती है हमारी कौन सी, इसका और है प्रत्येक मात्र या पुराना सूत्र एक नए पूरक सूत्र, इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीमेंट्री स्ट्रेंथ, ठीक है ना, का संश्लेषण करता है। क्या बना लेता है, प्रत्येक मात्र या पुराना सूत्र एक नया पूरक सूत्र बना लेता है, ठीक है ना। इस प्रकार प्रत्येक संतति डीएनए अणुओं के दो सूत्रों में से एक सूत्र जनक डीएनए का तथा दूसरा सूत्र नवनिर्मित होता है। इसमें से देखो जैसे ये बना तो एक तो क्या हो गया जनक का हो गया ये डॉट डॉट डॉट, तो दूसरा क्या बन रहा है नया बन जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं उस लेवल को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थर्ड हेडिंग है अपनी कौन सी, परिक्षेपी प्रतिकृति या डिस्पर्सिव रिप्लिकेशन, कौन सी डिस्पर्सिव रिप्लिकेशन। इस प्रकार की प्रतिकृति में जनक डीएनए अणु अनेक टुकड़ों में बट जाता है, जनक डीएनए अणु क्या हो जाता है अनेक टुकड़ों में बट जाता और डीएनए के दो संतति अणु बन जाते, क्या हो जाते हैं दो संतति अणु बन जाते तथा प्रत्येक अणु में पुराने तथा नए संश्लिष्ट खंड पाए जाते, क्या पाए जाते हैं तथा प्रत्येक अणु में पुराने तथा नए संश्लिष्ट खंड पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें देखो इसमें क्या हो जाता है कुछ खंड डॉट डॉट, देखो कुछ खंड डॉट डॉट में है, इस साइड को इस पटा हो गया, यहाँ से देखो ये डॉट डॉट में गया, फिर यहाँ पर दूसरा पटा हुआ इसमें दूसरा हो गया है, इसी प्रकार से इसमें देखो कुछ खंड कैसे होती है नए होती कुछ खंड क्या हो जाते हैं पुराने हो जाते हैं पुराने खंड, ठीक है ना, पुरानी जबतें बन जाती है। इस प्रकार से हमारा ये दूसरी हरे क्या होती है फीस होती है, तीसरी हरे का नाम क्या होता परिक्षेपी, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन फिनिश होता डीएनए प्रतिकृति या डीएनए रिप्लिकेशन या प्रतिबलन या द्विगुणन।